इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले T20 महामुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने की भारत की घातक प्लेइंग 11 घोषित और उन्होंने इस महामुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में चार बड़े बदलावों के साथ पहला T20 महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज कब से शुरू होने जा रही है और भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले ही 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए BCCI ने भारत की 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में KL राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है। इसलिए अब दोनों टीमों के बीच यह T20 सीरीज काफ़ी रोमांचक और कड़ी होने वाली है, जहाँ पर इस सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होने जा रहा है, जहाँ पर पहला T20 महामुकाबला शाम 7 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे से होगा। इसके बाद हमारी भारतीय टीम 7 बजे से बल्लेबाजी करने उतरेगी, इसलिए अब दोनों टीमों के बीच यह सीरीज का काफ़ी रोमांचक बढ़ गया। हालांकि जिस तरह से हमारी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसी प्रकार अब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली इस T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेगी और टेस्ट सीरीज से पहले उसे हराने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। तो वहीं इंग्लैंड की टीम के कप्तान जॉस बटलर ने भी इस सीरीज के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, इसलिए यह सीरीज दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक भरी भी हो सकती है। तो भाई रोहित शर्मा ने इसी को देखते हुए भारतीय टीम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे, विराट कोहली, तिलक वर्मा जैसे रिंकू सिंह खिलाड़ी एक बार फिर से इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि टीम के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई नहीं देने वाले हैं, जो टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन जिस तरह से इस समय भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज फॉर्म में, उसी तरह से उम्मीद है कि वह इस सीरीज में अपना जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं पहले T20 महामुकाबले के लिए जोस बटलर ने ऐलान कर दिया है कि हम हर हाल में भारतीय टीम को इस T20 सीरीज में हराकर पुराना बदला लेना चाहेंगे। तो भाई रोहित शर्मा के पास यह सुनहरा मौका होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला इस T20 सीरीज में जरूर ही लेंगे। तो भाई रोहित शर्मा ने पहले T20 महामुकाबला जीतने के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला कर लिया है, जहाँ पर हम इस महामुकाबले के लिए भारतीय टीम की दो ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो टीम के कप्तान रोहित शर्मा और एक बार फिर से युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल करती हुई दिखाई देने वाले, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी हाल ही में T20 सीरीज में भारत के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में लंबे लंबे चौके छक्के लगाए, उसी प्रकार उम्मीद है कि वह इस सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, जहां पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरह से आखिरी T20 महामुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेली और वह भारत की तरफ से सबसे अधिक T20 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज ही बने हैं, इसलिए उनसे इस सीरीज में एक भी अच्छे प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के पास एक बार फिर से यह सुनहरा मौका होगा कि वह सुमन गिल की गैर मौजूदगी में इस सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीनों T20 महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया, हालांकि वह आखिरी T20 मैच में कोई भी खास प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पहले दो T20 मैचों में प्रदर्शन किया, उसी प्रकार से वह प्रदर्शन एक बार फिर से करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 3 नंबर के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले, हालांकि विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में कोई भी खास प्रदर्शन नहीं किया, जहां पर वह दोनों ही T20 महामुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, इसलिए उनके पास टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले यह एक सुनहरा मौका होगा कि वह इस सीरीज में एक जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम के लिए हर हाल में सीरीज जिताएंगे। तो वही 4 नंबर के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में भारतीय टीम में इस ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि शिवम दुबे ने हाल ही में खेली गई T20 सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया, इसलिए उनके पास यह वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज होगी कि वह इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करें और वर्ल्ड कप में अपनी खेलने की जगह पक्की करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वही 5वें खिलाड़ी के रूप में इस महामुकाबले में
भारतीय टीम में काफ़ी समय से टी20 क्रिकेट से बाहर चल रहे केएल राहुल की वापसी हो चुकी है, इसलिए केएल राहुल ने इस टी20 सीरीज से पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम इस सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करेंगे, क्योंकि केएल राहुल टी20 वर्ल्ड कप 2022 से भारतीय टीम से बाहर चल रही थी, इसलिए उनके पास यह सुनहरा अवसर है कि वह इस सीरीज में एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो वही छठवें खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से इस महामुकाबले में टीम की फ्रेशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए 6 नंबर की सबसे बड़ी जो परेशानी हो रही थी उन्होंने उसको दूर कर दिया। जिस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीनों ही टी20 महामुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने आखिरी महामुकाबले में जब भारतीय टीम के 20 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, तब उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जबरदस्त साझेदारी की और अर्धशतकीय पारी खेली थी और टीम इंडिया के लिए उस महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दिलाने में एक शानदार योगदान निभाया था। तो वही 7वें नंबर के लिए एक बात अच्छी इस महामुकाबले में टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि अक्षर पटेल ने हाल ही में खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर से वॉशिंगटन सुंदर के लिए मौका दिया गया है, क्योंकि सुंदर ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी टी20 महामुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की थी और 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 3 विकेट अपने हासिल किए थे, इसलिए उनसे इस सीरीज में और भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले। तो वही 10वें खिलाड़ी के रूप में इस महामुकाबले में एक बार फिर से टीम के पास तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलने वाले हैं, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने जिस तरह से आखिरी टी20 महामुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करके भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई थी, एक बार फिर से वही इस टी20 सीरीज के पहले टी20 मैच में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देने वाले। तो वही आखिरी नंबर के लिए इस महामुकाबले में टीम इंडिया में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, इसलिए जसप्रीत बुमराह इस टी20 सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं तो वह वर्ल्ड कप में अपनी जगह और मजबूती से पेश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे उसी प्रकार उम्मीद है कि वह इस टी20 सीरीज में अपना वही प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो भाई भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इसी प्लेइंग 11 के साथ पहला टी20 महामुकाबला जीतने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग इस टीम में किस और खिलाड़ी को शामिल या बाहर करना चाहिए, आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं।